रेकेबा स्वागत है आपका खबर कानपुर से, जहां पर आज होगा गंगा यात्रा का समापन। जी हां, अटल घाट पर यहां गंगा यात्रा का समापन कार्यक्रम रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस समापन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचेंगे। समापन समारोह में सरकार के कई मंत्रियों के भी शामिल होने की खबर सामने आ रही है। उस तरह से आज 31 जनवरी है, 5 दिवसीय गंगा यात्रा का आज आखिरी दिन। जी हाँ, और आज बिजनौर वाले रूट से जो गंगा यात्रा आगे की तरफ बढ़ी, बलिया वाले रूट की तरफ से जो आगे की तरफ बढ़ी, इन दोनों का समागम आज कानपुर में होगा। और इस तरह से कानपुर बैराज पर इसके समागम के साथ ही इस कार्यक्रम का भी समापन हो जाएगा। समापन समारोह में सरकार के कई मंत्रियों के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सम्मिलित होने पहुंचेंगे। तो आइए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का मिनट कार्यक्रम। 12:20 पर दोपहर कानपुर के सीएसए पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उसके बाद 12:25 उनका कार्यक्रम सीएसए से सड़क मार्ग होते हुए अटल घाट जाने का। 12:30 सीएम योगी आदित्यनाथ अटल घाट पहुंचेंगे। अटल घाट पर गंगा आरती के बाद फिर वो वहां पर लोगों को, जनता को संबोधित करते नजर आएंगे। तो इस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये तय मिनट कार्यक्रम ग्राफिक्स के माध्यम से आपके सामने। 12:25 पर सीएसए से सड़क मार्ग होते हुए उनका अटल घाट जाने का कार्यक्रम तय किया गया है। 12:30 फिर सीएम योगी अटल घाट पहुंच जाएंगे। नीलेश चौहान हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ से और ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। नीलेश, आज गंगा यात्रा के समागम होना है, आज इसका समापन समारोह होना है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सम्मिलित होना है। कितने बजे वो लखनऊ से रवाना होंगे, किस तरह की जानकारी? देखिए, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो करीब 11:45 पर लखनऊ से रवाना होंगे और कानपुर करीब 12:15 के समय पर वो पहुंच जाएंगे। अटल घाट पर वो पहुंचेंगे, जहां पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अगर हम पूरे गंगा यात्रा की बात करें जो नमामि गंगे मिशन के तहत चलाई जा रही है, 1500 किलोमीटर से ज़्यादा की ये यात्रा है। दो जगहों से इस यात्रा को शुरू किया गया था, बिजनौर और बलिया से। सरकार के तमाम मंत्री पूरी यात्रा में शामिल रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के मंत्री हों या राज्य सरकार के मंत्री हों। ये जो मंत्री इस रथ यात्रा में शामिल रहे, उन्होंने साफ तौर पर जहाँ जहाँ ये यात्रा गई, जहाँ जहाँ जैसे ये यात्रा गुजरी और जहाँ जहाँ पर यात्रा रुकी, वहाँ पर साफ तौर पे गंगा के निर्मलता अविरलता के बारे में लोगों को बताया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि गंगा को कैसे साफ रखें, कैसे गंगा का पानी हमारे लिए अमृत है, तमाम बातों को लेकर ये रथ यात्रा 27 तारीख से चलाई जा रही थी, जिसका अंतिम पड़ाव आज कानपुर के गंगा बैराज पर है। दोनों जगहों से शुरू हुई यात्रा आज गंगा बैराज पहुंचेगी, जहां पर दोनों रथों का समागम होगा। वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे, उसके अलावा सरकार के तमाम मंत्री भी वहां पर पहुंचेंगे। तो कहा जा रहा है कि लगातार ये यात्रा अपना सफर तय करके लोगों के बीच से गुजरकर, लोगों को अच्छी जानकारी देकर, किसानों को एक अच्छी जानकारी देते हुए और गंगा के शीतलता निर्मलता के बारे में बात करते हुए आज जब कानपुर पहुंचेंगे। यात्रा को ओवरऑल अगर देखा जाए तो किस तरह के रहे ये 5 दिन, आज इस यात्रा का आखिरी दिन है, किस तरह से इसे देखा जाए, कितना सफल ये कहा जा सकता है? देखिए, अगर हम 5 दिन की यात्रा की बात करें तो करीब 27 जनपदों से होकर ये यात्रा गुजरी है। करीब 1300 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें और नगर पंचायतों से होकर ये यात्रा गुजरी है। वहाँ जहाँ जहाँ से भी यात्रा गुजरी है तो साफ तौर पे एक संदेश देने का काम किया गया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी अगर कोई नदी बहती है, सबसे ज़्यादा जिसका पानी निर्मल है, शीतल है, वो गंगा है। तो कहीं ना कहीं गंगा को हम स्वच्छ और साफ बनाने की हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। इन तमाम बातों को लोगों तक पहुँचाया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि गंगा को निर्मल स्वच्छ बनाने का सरकार का तो दायित्व तो है ही, साथ में आम जनता का भी दायित्व तो है, जो कहीं ना कहीं गंगा को गंदा करने में उनका भी सहयोग रहता है। जिस तरीके से हम देखते हैं, अगर कहीं बड़ा कोई पूजन अर्चन होता है तो कहीं ना कहीं उसकी जो सामग्री होती है उसको गंगा नदी में प्रवाहित किया जाता है, खंडित मूर्तियों को गंगा नदी में प्रवाहित किया जाता है। ऐसा लोग ना करें, इसी मकसद के साथ ये पूरी गंगा यात्रा निकाली गई है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। ठीक है नीलेश, आप हमारे साथ बने रहे। तो गंगा यात्रा के समागम का आज आखिरी दिन है। बिजनौर से चलकर गंगा यात्रा कानपुर के बिठूर पत्थर घाट पहुंच गई है। इस यात्रा में शामिल सभी लोग बिठूर के पत्थर घाट पर आरती करेंगे और उसके बाद
यात्रा बैराज के अटल घाट पर पहुंचेगी, जहां पर दोपहर 12:30 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंगा जी की महाआरती करेंगे। उसके बाद फिर गंगा यात्रा का समागम होगा। फिलहाल बिचूर के गंगा घाट पर आरती की तैयारी जोरों पर है। देखिए कानपुर से न्यूज वन इंडिया के संवाददाता रामजी शर्मा की ये खास रिपोर्ट। गंगा यात्रा के समागम का आज आखिरी दिन है। बिजनौर चलकर कानपुर बिठूर घाट पहुंची एक यात्रा, रात को ही यहां पहुंच गई थी और यहीं पर रुकी हुई है। इस वक्त हम लोग बिठूर के पत्थर घाट पर मौजूद हैं। आप यहां देख सकते हैं जो यहां पर यात्रा का समागम होना है और आरती जो आज यहां पर होनी है उसको लेकर के पूरी तैयारी यहां कर ली गई है। और फिलहाल जो तैयारियां चल रही हैं, मंदिर का जो साज सज्जा है उसको सजाया जा रहा है। इसके साथ ही ये जो यहाँ पर आपको दिखाएंगे जो अपने दूसरी तरफ की साफ़ सफाई का भी आप देख सकते हैं, पूरी तरह साफ़ सफाई का जो कार्य था वही लगभग पूरा हो चुका है। अब सिर्फ जो गंगा यात्रा की जो आरती होनी है उस आरती को लेकर के यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। आरती का समय फिलहाल तो पहले 8 बजे का था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि आरती का समय थोड़ा बढ़ा दिया गया है क्योंकि जो तैयारियाँ हैं अभी कुछ बाकी हैं। और यहाँ से जो यात्री आरती है यहाँ होने के बाद यहाँ से जो यात्रा आई है यहाँ चलकर बैराज के अटल घाट पहुँचेगी। वहाँ पर 12:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाआरती का आयोजन करेंगे। उसके बाद अपने भाषण के बाद इस गंगा यात्रा का जो बिजनौर से चलकर कानपुर आई है और बलिया से होते हुए जो अटल घाट पहुँच रही है उसका समागम किया जाएगा। कानपुर से रामजी शर्मा, न्यूज़ वन इंडिया। और कानपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता रामजी शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रामजी, वहां पर आज गंगा यात्रा का समागम समारोह होना है, समापन समारोह होना है, कैसी व्यवस्था है, कैसी तैयारियां? जी, मैं आपको बताता हूँ, तो गंगा को साफ अवगर बनाने का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पिछले 4 दिनों से ये गंगा यात्रा चल रही है। वो गंगा यात्रा जो बिजनौर से होकर के बिठूर घाट आनी थी वो रात में यहाँ पहुंच चुकी है। हाँ। और यहीं पर रुकी हुई है। और जो यहाँ पर महाआरती का जो समय था पहले 8 बजे का था, जो की अब 9 बजे का कर दिया गया है, जहाँ पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत कई लोग जो यात्रा में शामिल थे यहाँ महाआरती करेंगे। उसके बाद करीब 10:30 बजे यहाँ से जो यात्रा है चल करके बैराज के अटल घाट पहुंचेगी। वहां पर जो 12:30 बजे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाआरती करेंगे, उसके 15 मिनट के भाषण होना है। करीब 2.5 घंटे मुख्यमंत्री जो है कानपुर के बैराज पर रुकेंगे, वहां पर पूरी तैयारियां जो है, यानी कि लगभग 2.5 घंटे तक वहां पर पूरा कार्यक्रम रखा जाएगा। ऐसे में ये बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा और कौन कौन से बड़े चेहरे जो आज वहां पर उपस्थित नजर आएंगे, क्योंकि इस पूरी गंगा यात्रा के दौरान अलग अलग पड़ाव पर अलग अलग मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, आज कौन कौन से चेहरे वहां पर दिखेंगे? जी, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत और जो यहाँ के कैबिनेट मंत्री सतीश माना समेत जो विधायक या सांसद है सब भी यहाँ पर इस यात्रा पे मौजूद हैं और जब आरती होगी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। जी, नीलेश चौहान भी हमारे साथ लगातार मौजूद है, एक बार फिर नीलेश का रुख करना चाहेंगे। नीलेश, 5 दिन पहले यानी कि 27 जनवरी को जब इस गंगा यात्रा की शुरुआत हुई थी, जिस मकसद के साथ इस गंगा यात्रा को शुरू किया गया था, क्या कहा जाए वो मकसद कितना पूरा हो पाया है? देखिए, अगर हम गंगा यात्रा की बात करें तो 27 जनवरी को यात्रा को शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर दोनों रथों को रवाना किया। हाँ। था बलिया और बिजनौर से ये शुरू की गई थी यात्रा, जो जिसका अंतिम पड़ाव आज कानपुर में है। बैराज पर दोनों रथों का समागम होगा, तमाम मंत्री वहाँ पर मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री भी खुद स्वयं मौजूद रहेंगे। उसके अलावा कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी वहाँ पर मौजूद रहेंगी। अगर हम पूरे रथ यात्रा की बात करें तो पूरी तरीके से सफल नज़र आ रही है, कहीं पर भी कोई भी अनियमितताएं नज़र नहीं आई पूरे रथ यात्रा के दौरान, चाहे वो बिजनौर से चली यात्रा हो या फिर बलिया से चली यात्रा हो। क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री एक के बाद एक लगातार कोई प्रयागराज से यात्रा में शामिल हो रहा था तो कोई मिर्जापुर से यात्रा में शामिल होता दिखा, उसके अलावा अगर हम बात करें तो कोई मंत्री बलिया से भी शामिल हुए, तो लगातार एक के बाद एक मंत्रियों को रथ यात्रा में लगाया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री के साथ ही केंद्र सरकार के भी मंत्रियों ने रथ यात्रा में शिरकत की थी, क्योंकि नमामि गंगे मिशन से पूरे एडी चोटी का जोर यात्रा चलाई गई थी और मकसद भी कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। और आज इस गंगा यात्रा का जो कि 5 दिवसीय गंगा यात्रा थी, इसका समागम हो जाएगा, उसका समापन हो जाएगा और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए पहुंचेंगे। दोपहर 12:30 बजे ये कार्यक्रम वहां पर होगा, लगभग 2.5 घंटे तक चलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ने के लिए। रामजी शर्मा हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए।